केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर काशी के दौरे पर हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के एक साल पूरा होने पर अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आस्था को व्यवस्था से जोड़कर इन धामों को अद्भुत रूप दिया है। 12 दिसंबर है आज, साल भर पूरा हो गया विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के, और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने दर्शन किया है। कल इसका हम लोग वर्षगांठ भी मनाएंगे। क्या कहेंगे आप, चूंकि आपने खुद दर्शन किया, ये भव्य रूप भी देखा, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद कई बार दर्शन भी कर लिया है, हजारों वर्ष पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भव्य और दिव्य रूप देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप पिछले एक वर्ष का आंकड़ा निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ शिव भक्तों का आना कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये स्थान बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक बना है और देश या दुनिया भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप काशी की गली में जाकर किसी से भी बात करेंगे, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आस्था के केंद्र रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी दिए हैं, आस्था के केंद्र अब अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बन रहे हैं। और ये तब हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद बन पाए, देश के प्रधानमंत्री बन पाए। दिव्य भव्य सोमनाथ मंदिर हो, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम हो या दिव्य भव्य अयोध्या धाम हो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन है। महाकाल लोक बनाने की बात हो, ये देश ने पहले कभी नहीं देखा था, ये इन पिछले 3-4 वर्षों में देखा। ये तब संभव हुआ जब अपने गौरवशाली इतिहास में विश्वास करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी बने। प्रधानमंत्री ने बनाया आस्था के केंद्रों को इस रूप में कि अर्थव्यवस्था और आस्था भी से जुड़ गई, ऐसा मानना है सूचना प्रसारण मंत्री जी का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार सैनिक के साथ हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी।